अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद खान फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर द कोर्स आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर यू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मैंने आपको बुक रेफर की है तो इंशाल्लाह यू वुड बी गोइंग थ्रू दैट। मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आर नॉट कम्प्रीहेंडेबल, जो यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यू हैव टू गो थ्रू योर बुक इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आगे डेफिनेशन को देखेंगे। जैसा कि आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं, यू बेटर नो कि आईटी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें सीसीटीवी कैमराज के प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आईटी इन्वॉल्व होगी उसके मैनेजमेंट को आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम दिया जाएगा। मूव करते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। यस, इंट्रोडक्शन दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उन्होंने यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जाम्पल दी। अगर आप सेकेंड पैराग्राफ से देखें कि न्यू टेक्नोलॉजीज have actually become a significant factor in many of the businesses, the computer hardware, software, networks and the use of interdisciplinary and the global work teams have radically changed the work environment. The following statistics demonstrate the significance of project management in today's society, especially for the project involving IT. IT is related on an example here, you can go through it. Worldwide IT spending was 83.8 trillion in 2014, jisko unhone kaha ki 3.2% increase from 2013 hai, theek hai. टेलीकॉम सर्विसेज की उन्होंने एग्जांपल दी। देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द आईटी प्रोफेशनल इज जनरली हाफ द रेट ऑफ द ओवरऑल लेबर मार्केट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आईटी प्रोफेशनल्स का वो हाफ है, बिकॉज दे आर द पॉसिबिलिटी कि आईटी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए और वो उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, ये डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि दुनिया में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और क्या माहौल है आईटी के, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। आगे मूव करते हैं जी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, ऑल्दो द सेवरल रिसर्चर्स क्वेश्चन द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस ऑफ सच स्टडीज द रिजल्ट्स हैव प्रॉम्प्टेड दैट द मैनेजर थ्रू आउट द वर्ल्ड टू एग्जामिन वेज टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस इन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। मैनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रोवाइड एडवांटेजेस। देखें जी, यहाँ पर उन्होंने आपको एक्चुअली बताया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करें क्यों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हमें फायदा क्या होगा। तो उसमें उन्होंने आपको डिफरेंट बेनिफिट दिए हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब आप एक चीज को प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर चलेंगे, प्रोजेक्ट होता है एक्चुअली, अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, इज अ टेम्पररी एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर इट्स लिमिटेड टाइम पीरियड। एक खास टाइम पीरियड के लिए आप उसको स्टार्ट करते हैं, 4 महीने 3 महीने 2 महीने खास टाइम के बाद उसको आप क्लोज कर देते हैं। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। सो वो कहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोल अच्छा मिल जाता है, इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, यस आप कस्टमर के साथ अच्छा ताल्लुक बना सकते हैं, डेवलपमेंट टाइम्स आपके काम हो जाते हैं क्योंकि आपने खास एक टाइम चूज कर लिया है कि इस टाइम में हमने उसको बना कर देना है, लोअर कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, यस आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, देन हायर क्वालिटी, इंक्रीज रिलायबिलिटी, हायर प्रॉफिट आपको चांसेस हैं, आप मार्जिन अचीव करेंगे, इंटरनल कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जी बेहतर होती है, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास डिफरेंट टीम्स होती हैं और टीम्स के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। देन कम्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मीटिंग स्ट्रेटजी गोल्स एंड हायर वर्क मोरल, राइट। प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल दें जी, तो उन्होंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बताया है, अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और द रिजल्ट, राइट। ठीक है जी, इसका मतलब ये कि टेम्पररी एक्टिविटी है, टेम्पररी एंडेवर एक मुहिम है जिसके थ्रू जब एक खास प्रोडक्ट बन जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोजेक्ट। और इसको जब मैनेजमेंट की बात आएगी, इसके मैनेजमेंट का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाएगा। उन्होंने हमें आगे एग्जाम्पल्स ऑफ आई टी प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि हमारे पास आई टी के डिफरेंट प्रोजेक्ट से, you will be going through it. मैं इसका एक bird eye view आपको दूंगा कि हमारे पास different options मौजूद हैं। A large network of healthcare providers update information system and procedure to reduce hospital acquired disease, very important. देखें, आप किसी हॉस्पिटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, एयरलाइन इंडस्ट्री में हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो, किसी बैंक में हो, अगर आपको सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप लोगों का, एम्प्लॉयज का, कस्टमर्स का, पेशेंट्स का डाटा मेंटेन कर सके, उस मेंटेनेंस ऑफ द डाटा को हम क्या कहेंगे, आईटी का प्रोजेक्ट कहेंगे। देन सेकंड, अ टीम ऑफ स्टूडेंट क्रिएट अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन, कोई ऐप बनाते हैं, स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाते हैं, वो आपका कंसीडर होगा एज एन आईटी प्रोजेक्ट। अ कंपनी डेवलप्स अ ड्राइवरलेस कार्स, यस ड्राइवरलेस कार्स अगर आप बनाते हैं, जैसे कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में है, तो वो आपकी आईटी का प्रोजेक्ट कहलाएगा। अ कॉलेज ग्रेजुएट्स
its technology upgrades sorry a college upgrades its technology infrastructure to provide wireless internet very important jo aapko internet ki access hai wo jo provide ki jati hai wo again aapki example pe taur hogi ke taur par aapki use hogi it ke project ke upar isi tarah aap tamam points ko agar dekhen these are the different elements that are going to say that these are the different examples of the it projects jo ke puri duniya mein is time kisi na kisi shakal mein kaam kar rahe hain aage move karenge ji hum जी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स कहते हैं खसूसियात को तख्सीस करना कि ये प्रोजेक्ट अगर है तो उसके क्या हमारे खसूसियात हैं और उसके साथ क्या फीचर्स जुड़े हुए हैं वन बाय वन देखते हैं जी प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक पर्पस बहुत आसान इसको आप गो थ्रू करेंगे देखिए जी कोई आप काम स्टार्ट करते हैं तो पर्पज लेस नहीं होता यू हैव टू गो टूवर्ड्स दी पार्टिकुलर पर्पज ऑफ दैट प्रोजेक्ट तो पर्पस जो है प्रोजेक्ट का खास पर्पस होगा जब वो फुलफिल हो जाएगा अचीव आप कर लेंगे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा जी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे सेकंड वन इज ये प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी ये भी आपका एक फीचर है कि टेम्परेरी इसकी नेचर है ये परमानेंट नहीं है फॉर द टाइम बींग आपने इसको यूटिलाइज किया एग्जीक्यूट किया देन इट विल बी क्लोज देन कम्स अ प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन देखिए स्टूडेंट प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट एक दफा स्टार्ट करके खत्म तो करना है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कल को किसी और प्रोजेक्ट के लिए फायदा मंद नहीं होगा दुनिया में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं पुरानी डेवलपमेंट्स के ऊपर बेस्ड हुई हैं जैसे आप एग्जाम्पल लें अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की आपके पास उसके पहले सिंपल कंप्यूटर थे ठीक है उसके बाद आपके पास डुअल कोर है कोर टू डुओ है ठीक है उसके बाद आपके पास i3, i5, i9, i7, i12 की ये सीरीज आई दीज आर द डेवलपमेंट जो कि प्रोग्रेसिव एलोबरेशन है पुरानी पुराने सिस्टम के ऊपर बेस्ड करके नई डेवलपमेंट्स को हम प्रोग्रेसिव एलोबरेशन कहते हैं तो ये आपका एक बहुत बड़ा फीचर है देन कम्स अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी रिसोर्स के बगैर नामुकम्मल है और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर आप उसके रिसोर्सेज चाहते हैं तो ये सबसे उसका बड़ा एट्रीब्यूट कहलाएगा देन प्रोजेक्ट शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का कोई ना कोई कस्टमर होना चाहिए स्टूडेंट्स कोई भी प्रोजेक्ट जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी सीसीटीवी कैमरास की मैंने एग्जांपल दी किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड अपडेट करने के सिस्टम की वो आप तमाम किस लिए कर रहे हैं डेफिनेटली हॉस्पिटल के पेशेंट जो हैं वो उसके कस्टमर हैं सीसीटीवी कैमराज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं किसी गलत एक्टिविटी को रोकने के लिए तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके कस्टमर हैं कस्टमर होना चाहिए जिसके लिए आप ये काम करें देन सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट हैव अ स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं जो आपके इस सरगर्मी में आपके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में इसको लगाने में सरमाया देता है वो कंपनी का इंटरनल भी हो सकता है कंपनी से बाहर भी हो सकता है अगर वो आपको पैसा देते हैं किसी काम को करने के लिए वो आपके स्पॉन्सर कहलाएंगे देन कम्स फाइनली इज द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी यस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब है मुबहम होना गैर यकीनी सूरत हाल जैसे कि आप समझते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं देर आर ऑलवेज चांसेस दैट इट विल फेल इट कैन बी सक्सेसफुल बट इट कैन फेल अगर फेलियर के चांसेज हैं तो हम उसको क्या कहेंगे जी दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट आगे मूव करेंगे जी हम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी मुदाखलत को कोई कमी कोई लिमिटेशन कोई हर्डल जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के दरमियान एज अ हर्डल के रेजिस्टेंस के तौर पर शामिल हो पहला जी हमारे पास है स्कोप स्कोप व्हाट वर्क विल बी डन एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हाट यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और द रिजल्ट डज द कस्टमर और स्पॉन्सर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट देखिए जी स्कोप का मतलब होता है जब आप इस डिग्री में एनरोल हुए हैं आईटी में तो आपसे पूछा गया होगा कि जी आप फ्यूचर में क्या करते हैं करेंगे या आपकी इस डिग्री का क्या स्कोप है स्कोप मीन्स डियर स्टूडेंट्स के आज जो आप पढ़कर जा रहे हैं इसकी रेलिवेंट फील्ड भी एग्जिस्ट करती है यानी कल को आपकी जॉब कहां पर होगी दिस इज कंसीडर्ड टू बी योर स्कोप ठीक है तो प्रोजेक्ट के स्कोप का मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट आज हम जिसके ऊपर काम करने वाले हैं ये कर रहे हैं कल को इसका इम्प्लीकेशन क्या है इसका रिजल्ट क्या होगा क्या इसका कस्टमर स्पॉन्सर सेटिस्फाई होगा क्या हम वही चीज बनाने जा रहे हैं जो लोगों को चाहिए दैट इज द पॉइंट सेकेंड टाइम वेरी इंपॉर्टेंट एज द नेम सजेस्ट क्या प्रोजेक्ट एक टाइम के ऊपर शुरू होकर उसी टाइम में खत्म होगा थर्ड वन इज द कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या इसके ऊपर जो लागत आई है आखिर जारी बात है आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपके अखराजात आएंगे क्या वो अखराजात इतने ज्यादा तो नहीं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ही ना अचीव कर सकें सो दीज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट बिकम्स अ हर्डल अगर ये तीनों आप आंसर कर दें और इसको मैनेज कर लें तो इट विल नॉट बिकम अ कंस्ट्रेंट और हर्डल अदरवाइज दीज विल बी अ प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स आगे मूव करेंगे जी हम
टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अगर हम स्टेक होल्डर की अभी हम बात करें, आगे हम इसको स्टेप्स को देखेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है वो लोग जिनका एक्चुअल या पोटेंशियल स्टेक होता है आपके काम में, उस प्रोजेक्ट में। कहने का मकसद ये कि वो तमाम लोग जो आपके आपकी इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी से मुतासर हों, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो आपके तमाम मुतासरीन जो हैं वो आपके स्टेक होल्डर कहलाएंगे। अगर हम आप वन बाय वन इसकी तरफ आए तो पहला जो हमारा है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, दैट इज द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वुड बी द पोटेंशियल न्यू होम ओनर हु वुड बी पेइंग फॉर द हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सर का मतलब ये, देखें स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हो सकता है कि एक बंदा, एक फर्म है जो लोगों के लिए घर बनाती है, जैसे कि आप देखते हैं DHA, सिटी हाउसिंग स्कीम, रॉयल ऑर्चर्ड, डिफरेंट स्कीम्स में प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर, एक हाउस का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर डिफरेंट जो आपकी रियल एस्टेट कंपनीज हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं काम करती हैं। अब आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है वहां पर, आप उस रियल एस्टेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उसे कहेंगे कि यार हमें ये आप घर बनाकर दें, तो आप उस घर बनाकर देने की रिक्वायरमेंट अगर देंगे तो आप उस घर के बनाने वाले कौन हो गए? स्पॉन्सर हो गए। बिकॉज पैसा जो है, सरमाया है, वो कौन देगा? आप प्रोवाइड करेंगे। और सर्विसेज जो है कंस्ट्रक्शन की, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। तो इस केस में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है जी? स्पॉन्सर। क्योंकि होम ओनर की उन्होंने एग्जांपल दी, घर में आपने रहना है। अगर आप सिस्टम डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो सिस्टम आपने यूज करने हैं, तो आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर हुए। सेकंड इज, ये हाउस में रिक्वायर फाइनेंसिंग बाय द बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक भी आपका स्टेक होल्डर है। हो सकता है जी कल को आपने ये, आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक को आप लोन तभी वापस कर सकेंगे जब आपका घर तैयार होगा और आप उसमें से, हो सकता है आप उस घर को रेंट पर लगा दें या किसी काम के लिए यूज करें या किसी और इनकम से जब पैसे वापस आए तो आप बैंक को वापस कर दें। तो दिस विल बिकम अगेन द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। बैंक आपका स्टेक होल्डर बन जाएगा क्योंकि उसने आपसे पैसे वापस लेने हैं। थर्ड वन इज द प्रोजेक्ट मैनेजर इन दिस एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी आल्सो स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब ये कि वो भी उतना ही मुतासर है, उतना ही उसका स्टेक है, उतना ही उसका कंसर्न है। बिकॉज अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो कल आप उसी मैनेजर को दोबारा बताएंगे कि हमारा ये काम आप करके दें। फोर्थली, द प्रोजेक्ट टीम ऑफ द बिल्डिंग हाउस। एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट टीम जो है डियर स्टूडेंट, वो भी अगेन आपका हिस्सा होगा आपकी, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। क्योंकि प्रोजेक्ट टीम अगर आप अच्छी रखेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्टर, अगर ठेकेदार या हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छी टीम रखती है, अच्छे मिस्त्री मजदूर रखती है, तो डेफिनेटली कल को मजीद डिमांड आएगी कि आप हमारा घर बना कर दें। मूविंग अहेड, आगे मूव करेंगे जी हम। अगेन उन्होंने हमें प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर की लिस्ट दी हुई है, जिसमें हमने सेकेंड लास्ट को अभी यहाँ पर फाइनल देखना होगा, ठीक है। देन कम्स सॉरी थर्ड पॉइंट, सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ माइट इंक्लूड द बायर, एम्प्लॉयर, द जनरल कॉन्ट्रैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब आप घर बनवा रहे हैं तो आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, किसी ने डॉक्यूमेंट फिल किए होंगे, किसी ने बैंक से लोन अप्लाई किया होगा। ये तमाम सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपको प्रोवाइड की गई है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ सपोर्ट स्टाफ। सेकंड लास्ट इज, बिल्डिंग अ हाउस रिक्वायर्स मेनी सप्लायर्स। यस, सप्लायर्स आपके बहुत बड़े स्टेक होल्डर होते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे हैं तो आपको उसके लिए सीमेंट चाहिए होगी, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको उसके लिए सरिया चाहिए, ईंटें चाहिए, आपको उसके लिए पानी चाहिए, आपको उसके लिए मट्टी चाहिए, रेत चाहिए। एवरीथिंग दैट यू वुड बी एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम एनी अदर पार्टी विल बी योर सप्लायर। अगर वो आपको अच्छा चीजें प्रोवाइड करेंगे तो कल आप उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। देन फाइनली कम्स दी प्रोजेक्ट माइट हैव अपोनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जी, अपोनेंट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना तो उसकी मुखालफत करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। मुखालफत बराए मुखालफत भी हो सकती है, मुखालफत बराए इसलाह भी हो सकती है कि जी देखिए हमारे पास इतने फाइनेंसिस नहीं है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम लगाना चाहते हैं, पहले 50 लगे हुए हैं, आप 10 या 15 और लगाना चाहते हैं, तो हो सकते हैं कुछ अपोनेंट्स ऐसे हों जो ये कहें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जी, अभी इस सिस्टम को ना लगाया जाए, ठीक है। तो अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपके स्टेक होल्डर के तौर पे आपके सामने आते हैं। आगे मूव करेंगे जी हम। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। देखें अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज है ना, ये एक्चुअली पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को हम अपकमिंग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप हमने पहले देखा, जेनेरिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो हमारे प्रॉपर स्कोप में आएगा, क्या उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या हम उसे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। देन कम्स प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा दूसरा तीसरा चैप्टर है, ठीक है जी, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। थर्ड वन इज ये प्रोजेक्ट
कॉस्ट मैनेजमेंट, क्या हम जो अखराजात लगा रहे हैं उसी में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, क्या हमें इजाफे तो नहीं पे करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन किसके ऊपर काम करेगा। सिक्स, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आपस में रब्ता कैसे रखा जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, किसी किस्म का रिस्क, किसी किस्म का खतरा कैसे दूर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मीन कोई चीज खरीदनी है प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए तो कहां से कैसे खरीदी जाएगी। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, हमने अभी स्टेक होल्डर की लिस्ट देखी, उनको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको साथ लेकर चलना है। एंड देन फाइनली कम्स द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, दैट इज एक्चुअली ओवरराइचिंग द फंक्शन दैट अफेक्ट्स, इट्स अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अदर नॉलेज एरियाज। ये क्या होगा जी, आप ये ओवर आर्किंग फंक्शन है, मीन्स इसमें तमाम जो एक्टिविटीज हमने पीछे पढ़ी हैं उनको हम इंटरमिंगल करेंगे, मिक्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कहलाएगा। आगे मूव करेंगे जी, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में आप इसको देख सकते हैं, दैट इज प्रॉपरली ब्लैक हाइलाइटेड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड देयर टीम्स इन कैरिंग आउट ऑल ऑफ द 10 नॉलेज एरियाज। याद रखिएगा जो हमने अभी 10 नॉलेज एरियाज रखे देखे हैं, स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, स्टेक होल्डर है, क्या ये प्रॉपरली फुलफिल हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। इसको मैनेज करने के लिए जी जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं और उसको मैनेज करने के लिए वो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स कहलाती हैं जी। आ जाए हम इसकी डेफिनेशन की तरफ, आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप ब्लू चार्ट में देख सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात आएगी तो हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसमें हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड देखेंगे कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कौन सा करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी कैसे मैनेज करना है, वर्क रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है वर्क की, प्रोजेक्ट चार्टर, चार्टर कहते हैं एक एजेंडा कि हमने करना क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, चेंज कंट्रोल प्लान बनाएंगे कि जी अगर चेंजिंग तब्दीली की गुंजाइश हुई तो तब्दीली कैसे की जाएगी आप बताएंगे। देन स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के जो टूल्स हैं वो होंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्क, स्कोप मतलब है हमने ये काम करना है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, प्लान करेंगे, स्कोप वेरिफिकेशन टेक्निक, वेरीफाई करेंगे जी जो हम काम कर रहे हैं इसका स्कोप है या नहीं, स्कोप चेंज कंट्रोल, अगर कल को स्कोप चेंज होता है तो आपको वो चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट नाम से वाजे है जी, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करेंगे। ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है आप एक्चुअली वर्क एक्टिविटीज को एक खास क्या कहते हैं उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर या उसके ऊपर एक फोरम पर रखकर चेक करते हैं कि ये एक्टिविटी फलां दिन को शुरू होगी लाइक 4 जुलाई को और 6 को खत्म होगी, फिर 6 को एक और शुरू होगी वो 10 को खत्म होगी, फिर 10 को एक और खत्म शुरू होगी जो 12 को खत्म होगी। ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आप बनाएंगे। उसके बाद आप क्रैशिंग करेंगे, क्रैशिंग मीन्स आप एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हैं कौन सी एक्टिविटीज कब होनी है। देन कम्स फास्ट ट्रैकिंग, ट्रैक करेंगे क्या वर्क एक्टिविटीज प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। देन कम्स कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट में आप हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बजट बनाएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, पे बैक एनालिसिस, ये जितनी डिटेल्स हैं जी हम आगे नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन कम्स कॉस्ट मैनेजमेंट होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे जी, क्वालिटी मैट्रिक्स लगाएंगे, मैट्रिक्स कहते हैं पैमाना मेयार कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये आगे डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। चेकलिस्ट बनाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है जी, आप परेटो डायग्राम्स बनाएंगे, फिश बोन डायग्राम बनाएंगे, देर स्टूडेंट ये वो डायग्राम्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं ये चेक करने में क्या क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM आप पढ़ चुके हैं कि आपके मोटिवेशन टेक्निक्स क्या हैं, आप इंप्लॉय कैसे रखेंगे, उनको क्या तनख्वाहें देंगे, उनको क्या फैसिलिटीज देंगे, ठीक है जी, आगे मूव करेंगे। देन कम थर्ड वन इज कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आप कम्युनिकेशन का प्लान तैयार करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे, कोई तनाजा है एम्प्लॉयज के दरमियान, कोई प्रॉब्लम है उसको हैंडल करेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया की सिलेक्शन होगी जी, स्टेटस रिपोर्ट्स होंगे, वर्चुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि हो सकता है तमाम टीम्स जो हैं वो एक जगह पर मौजूद ना हो, कोई कहीं पर हो, कोई कहीं पर हो, तो आप ओवर द इलेक्ट्रॉनिक चैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। रिस्क मैनेजमेंट होगी जी, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, रिस्क रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर होता है जी एंट्री करने के लिए, जो रजिस्टर बनाते हैं उसमें आप वो लिखेंगे जी ये रिस्क हमें फेस करने पड़े। देन कम्स प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, आप प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करेंगे, आप डिसाइड करेंगे आपने चीज बनानी है या खरीदनी है, जिसको हम कहते हैं मेक और बाय एनालिसिस। हो सकता है आप अच्छी ना बना सकें लेकिन अच्छी खरीद सकें तो आप खरीद लेंगे, ठीक है जी। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट्स, आप रबते करेंगे सप्लायर के साथ, एग्रीमेंट्स बनाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करेंगे, आप सोर्स सिलेक्शन करेंगे, सप्लायर की एवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे जी प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ, हमारे पास प्रोजेक्ट सक्सेस में क्या चीजें हैं। प्रोजेक्ट मेट द स्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट जी, अगर आपका प्रोजेक्ट स्कोप को मैच करता है, उससे बेनिफिट हासिल होता है पॉजिटिव, तो ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। देन सेकंड, प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड द कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रोजेक्ट ने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो जाहिर बात है आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। आगे मूव करें, इसी के अंदर आप फर्दर देखेंगे
थर्ड पॉइंट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेट इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी. अगर आपका प्रोजेक्ट आपके जो रिजल्ट है उसको मैच कर गया है, मीट कर गया है, तो इट मीन्स आप सक्सेसफुल रहे हैं. आगे मूव करें. दीज आर अगेन सम ऑफ द एलिमेंट्स. वो कहता है कि ब्लू चार्ट में आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बहुत आसान है ये. वो कहते हैं इनसे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट जो है कामयाब होगा या नहीं होगा. कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी एग्जेक्टिव सपोर्ट. यस, कंपनी के मालिकान अगर वो आपको इजाजत देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो आप कामयाब हैं वरना नहीं. यूजर इन्वॉल्वमेंट, जिसने आपसे प्रोजेक्ट बनवाना है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी होनी चाहिए जी. वो भी बीच में रहे, आपको रहनुमाई करता रहे कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए. क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो. इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब ये कि इमोशनली आप स्टेबल हो. सकता है आपका प्रोजेक्ट 4 महीने में खत्म होना है लेकिन वो 5 महीने ले गया है, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए. देन ऑप्टिमाइजिंग स्कोप, स्कोप को ऑप्टिमाइज करने वाली चीजें हो. मतलब ये कि अगर आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कल को वो मार्केट में बिके भी सही, कल उसका बेनिफिट भी हो. देन कम्स एजाइल प्रोसेस. एजाइल का मतलब है स्विफ्ट, तेज प्रोसेसेस होने चाहिए. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, स्किलफुल लोग हैं, आप महारत रखते हैं, तो ये आपको सक्सेसफुल बनाएगी. अगर आप वाइज आप फेल हो जाएंगे. स्किल्ड रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब काम टाइम पर खत्म हो. एंड फाइनल इज द टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. आपका टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके. नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि यार यूएस गवर्नमेंट ने कुछ 3 हमें रिजल्ट्स बताए कि 3 ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कहता है करने के लिए. वो आप उसको देखेंगे. एडिक्वेट फंडिंग, यस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रोजेक्ट में फंडिंग ना करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है क्या? नो, यू हैव टू प्रोवाइड द फंड्स. सेकंड, स्टाफ एक्सपर्टीज, जो आपने स्टाफ रखा है वो काबिल होना चाहिए. एंगेजमेंट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, तमाम स्टेक होल्डर अंदर एंगेज होना चाहिए जी. कोई आप मिस आउट ना करें, जो हमने स्टेक होल्डर्स की लिस्ट पढ़ी थी. मूव करेंगे जी आगे. हियर इज द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है जी, हम प्रोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं जी. प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सब ग्रुप्स एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग दैम इंडिविजुअल. देखें जी, प्रोग्राम का मतलब ये होता है, प्रोग्राम वो कहता है अकेला नहीं होता. तमाम सेट ऑफ एक्टिविटीज, आप प्रोजेक्ट है ना जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको हजारों एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, उनको आप इकट्ठा करें, ग्रुप अप कर दें, ग्रुप अप करके एक सेट बना दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर प्रोग्राम. ठीक है, अब प्रोग्राम में उन्होंने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रोग्राम इन आईटी फील्ड. उन्होंने यहाँ पे 3 आपको प्रोग्राम दिए. ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. एन आईटी डिपार्टमेंट ऑफन हैज अ प्रोग्राम फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. दीज प्रोग्राम कुड एनकंपास सेवरल प्रोजेक्ट्स सच एज प्रोवाइडिंग मोर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, अपग्रेडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोग्राम में सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं. तो पहला अगर आप प्रोग्राम जो है हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर वो खुद बता रहे हैं क्या देंगे आप इंटरनेट एक्सेस देंगे, ये एक एक्टिविटी होगी. अपग्रेडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दूसरा, तीसरा इनहैंसिंग द कंप्यूटर सिक्योरिटी को इनहैंस करेंगे तीसरा, चौथा डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड आप करेंगे, चौथा आपका सब एक्टिविटी हो जाएगी जो मिलकर आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा. सेकंड इज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट. दिस प्रोग्राम कुड इंक्लूड सेवरल प्रोजेक्ट सच एज अपडेटिंग एंड एंटरप्राइज ईआरपी. ईआरपी सिस्टम होता है जी जो प्रॉपर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसको हम कहते हैं रिसोर्स कहते हैं आपके वसाइल, इंटरप्राइज कहते हैं बिजनेस को. बिजनेस के वसाइल जी 2-3 किस्म के होते हैं, एक लोगों को रखना, एक प्रॉपर इमारत बनाना, एक सामान रखना, फर्नीचर या इक्विपमेंट्स. ये तमाम मैनेज कराने के लिए जो डेवलपमेंट होती है उसको हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं. देन कम यूजर सपोर्ट. यूजर सपोर्ट के लिए जो आप यूज करेंगे इन एडिशन टू द मैनी ऑपरेशनल टास्क रिलेटेड टू यूर सपोर्ट यूजर सपोर्ट मैनी आई टी डिपार्टमेंट्स हैव सेवरल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द यूजर्स. क्या है जिसमें क्या आएगा यूजर सपोर्ट में? फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट माइट इंक्लूड प्रोवाइड अ बेटर ई मेल सिस्टम एंड प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर द यूजर्स. ठीक है, ये हमारे अगेन सब एक्टिविटीज होगी जो मिलाकर हमें क्या कहलाएगी, उस प्रोग्राम का नाम क्या कहलाएगा? यूजर सपोर्ट प्रोग्राम. ठीक है जी, आगे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आसान चीज है, आप देख लेंगे. वो मैनेजर जो एक्चुअली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और कंप्लीट कराने में मददगार होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है. आगे मूव करेंगे. प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियो का मतलब होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज. पोर्टफोलियो कहते हैं एक से ज्यादा एक्टिविटीज को जो मैनेज करने का नाम है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. ठीक है जी, अगर हम इसको ब्लू चार्ट में देखें आपको अंडरस्टैंड होगा. पहले उन्होंने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नीचे लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने लिखा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. दोनों में फर्क है, वो पोर्टफोलियो है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट है. फर्क क्या है जी? प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में हम देखते हैं आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम देखते हैं आर वी कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट्स वेल. वेरी इंपॉर्टेंट फर्क देखिए स्टूडेंट्स. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो कहते हैं ये पूछते हैं कि प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या नहीं,
लेकिन पोर्टफोलियो में ये पूछते हैं क्या हम सही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मींस ये प्रोजेक्ट का स्कोप भी है मार्केट में या नहीं, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में हम कहते हैं आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट एरियाज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कहते हैं आर प्रोजेक्ट्स ऑन द टाइम ऑन द बजट। यस अगेन पॉइंट, वहां वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में कहते हैं कि हम राइट एरिया में क्या सही जगह पे खर्चा कर रहे हैं। थर्ड वन इज दी इसी में प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डू वी हैव द राइट रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमारे पास वो वसाइल भी हैं जी जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। अगर वसाइल ही नहीं है तो हमें ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। सो यू डू हैव टू गो थ्रू इट। आगे हम मूव करेंगे। देखें जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर हम देखें तो वेंचर, ग्रोथ और कोर, ये तीन हमें आईटी प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो की कैटेगरीज बताई गई हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनका क्या मतलब है। पहली कैटेगरी है जी वेंचर। वेंचर किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट इन दिस कैटेगरी, जो इस किस्म की कैटेगरी के अंदर प्रोजेक्ट होंगे स्टूडेंट, उनका क्या काम होगा? हेल्प ट्रांसफॉर्म द बिजनेस। मतलब ये कि ये वो होंगे, अगर आप इंट्रोड्यूस करा दे अपनी इसमें मार्केट में या अपनी उसको ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस को टोटल बदल कर रख देंगे। ठीक है, हमारे ये वो फॉर एग्जाम्पल इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके बिजनेस में, अगर मैं मिसाल देता हूं, आप एक कारोबार करते हैं खाने पीने का, रेस्टोरेंट आपका, राइट? आप पहले फिजिकली सेल करते थे चीजें, लेकिन आपने एप्लीकेशन ऐसे इंट्रोड्यूस करा दी, आपने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दी, टेक अवे ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी, तो देख लें आपका बिजनेस जो है वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपका जो फिजिकल से आपका ऑनलाइन चला जाएगा, आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। देन कम्स आपका ग्रोथ। प्रोजेक्ट्स इन दिस कैटेगरी वुड हेल्प द कंपनी इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। इसमें जी वो चीजें हैं जिससे आपके आपका रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, आपकी लैब्स हैं, आप कंप्यूटर में हो सकता है कि आपके जो कॉलेज है उसमें कंप्यूटर लैब अपडेटेड ना हो, आपने लैब को अपडेट कर दिया, आपने लैब को अपडेट किया, इसी तरह आपकी जैसे केमिकल फिजिक्स की, जोलॉजी केमिस्ट्री की लैब्स हैं, आपने उनको अपडेट कर दिया, आपने एक्टिविटी रूम बना दिया, आपने एसी रूम्स बना दिए, कल को क्या होगा, आप अपने कस्टमर से जो कि आप स्टूडेंट की शक्ल में ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको फैसिलिटीज भी ज्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह आपका क्या होगा, ग्रोथ से क्या होगा, आपका बिजनेस की जो सेल है वो बढ़ जाएगी। थर्ड वन इज द कोर। कोर का मतलब होता है स्टूडेंट बेसिक। बेसिक प्रोजेक्ट इन दिस कैटेगरी मस्ट बी अकम्प्लिश टू रन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एन आई टी प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड कंप्यूटर फॉर न्यू एम्प्लॉयज वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि आपने अपडेटेड कंप्यूटर नहीं देने, आपने अपडेटेड सर्विसेज नहीं देनी, एक्चुअली मेन सर्विस है, मेन कंप्यूटर आपको उनको आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको बेसिक फैसिलिटीज अगर जब आप किसी को दे देते हैं तो हमारा वो कोर कहलाता है। ये वेंचर, ग्रोथ, कोर हमारी आई टी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की डिफरेंट कैटेगरीज है। आगे मूव करेंगे जी। बहुत आसान है जी, यहाँ पे रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जाहिर बात है प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है उसने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसको क्या क्या करना आना चाहिए। नीचे लिस्ट हम देखते हैं, उसमें लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर कंसल्टिंग फर्म। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर किसी कंसल्टिंग फर्म के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, वो प्लानिंग अच्छी करना चाहिए, उसको स्केड्यूल बनाने आने चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज आने चाहिए, तमाम चीजें उसके पास होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है कंप्यूटर सिस्टम लगाने के लिए, तो उसके पास क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके पास ही कोऑर्डिनेट विद इंटरनल एक्सटर्नल क्लाइंट टुगेदर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट प्लान, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज द आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द नॉन प्रॉफिटिंग प्रॉफिट कंसल्टिंग फर्म्स। वो कंपनीज जिनके अंदर कोई मुनाफा नहीं कमाया जाता, उनके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड बिजनेस एनालिसिस होना चाहिए, अच्छा आप रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर सकें, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकें, बजट का एस्टिमेट कर सकें, टेस्टिंग और इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। आगे मूव करेंगे जी। सजेस्टेड स्किल्स फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत आसान है जी, कौन से स्किल्स हैं आप इसके बुलेट पॉइंट में दे सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर बॉडी ऑफ नॉलेज उसको होनी चाहिए, एप्लीकेशन एरिया नॉलेज, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस का उसको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट का नॉलेज हो, जनरल मैनेजमेंट नॉलेज स्किल्स होने, जनरल मैनेजमेंट मींस आपको जनरल मैनेजमेंट कैसे करने चाहिए, कैसे आप एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे गलत चीज को रोकेंगे आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट और ह्यूमन स्किल का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लोगों को कंट्रोल करने की क्या तरीके हैं, लोगों से बात कैसे करनी है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मूव अहेड, आगे मूव करेंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, वो कहते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। उन्होंने 10 आपको बता दी, आपको यहाँ पे देखना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर वो कहते हैं ये तमाम 10 चीजें होनी चाहिए। पीपल स्किल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोगों को डील करना आना चाहिए। लीडरशिप बहुत आसान है, लीडरशिप का रोल प्ले करें। लिसनिंग स्किल, अच्छा सुनने की सलाहियत, उसमें
इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एथिकल बिहेवियर हो जी, वो सच्चा हो, झूठा ना हो, स्ट्रेंथ एट बिल्डिंग ट्रस्ट, अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट डेवलप कर सके आपस में एम्प्लॉयज के साथ, वर्बल कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो, बोलने का स्टाइल अच्छा हो, स्ट्रेंथ एट बिल्डिंग टीम्स, टीम में काम करवा सके, अच्छा काम करवा सके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसकी अच्छी हो, मतलब अगर कोई तनाजा या कोई प्रॉब्लम इकट्ठा पैदा होता है उसको हैंडल करें, कॉन्फ्लिक्ट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसके अंदर इतनी सलाहियत हो वो अच्छा सोच सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके, एंड फाइनल इज द अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द प्रायोरिटीज, अंडरस्टैंड कर सके कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कंप्लीटेड ओवर हियर. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सी आर को हमने बुक रेकमेंड की थी डेफिनेटली ही शुड हैव पास टू द ऑल ऑफ द क्लास फेलोज ऑफ यूर लाइक दिस इंस्टीट्यूट. इंशाल्लाह ताला यू विल बी गेटिंग दैट. अगर आपको मैं अगेन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्लाइड शो से यहाँ पर अगर डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी सुनने से राइट, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इसकी कंटेंट को, टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू द बुक. बुक आपके पास ऑनलाइन आ चुकी हुई है, आप उसको ओपन करें और कंटेंट्स को देखें. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.